समाज में एक बार बाप बेटा घोड़ा लेके चलते, मैं कहानी सुनाया करता हूँ अपने बच्चों को, बाप बेटा घोड़ा लेके चलते हैं तो चार लोग मिल जाते हैं एक आगे, तो चारों लोग मिल के कहते हैं देखो कि बाप बेटे कितने मूर्ख हैं, इस घोड़े में पैसा लगाया होगा चढ़ने के लिए और जा रहे हैं आगे पैदल लेकर के। तो दोनों ने सलाह किया, बाबू बात तो ठीक कर रहे हैं, इसमें 150,000 जो लगाया गया है जो चढ़ने के लिए और चल रहे हैं दोनों लोग पैदल, तो बात तो ठीक कर रहे हैं। तो कहा बाबू तुम बैठ लो, पिताजी बैठ लिया। तो फिर चार लोग मिले, बोले देखो अधिकार का पूरा प्रयोग कर रहा है बाप, है ना, वो खुद घोड़े के पीठ बैठ लिया और बेटे बेचारे को आगे पैदल चला दिया। तो बाप को शर्म आ गई, उसने कहा बेटा एक काम कर तू बैठ ले, मैं आगे पैदल चलता हूँ। जब बेटा घोड़े की पीठ पर बैठ लिया, बाप आगे चलने लगा, तो फिर चार लोग मिल गए, उन्होंने कहा देखो कैसा घोर कलयुग आ गया, बेटा घोड़े की पीठ पे है, बाप आगे पैदल। तो कहा बाबू तुम अकेले नहीं चल सकते, हम अकेले नहीं चल सकते, खाली घोड़े की पीठ नहीं चल सकते, फिर काम करते दोनों बैठ लेते हैं इस पे। दोनों बैठ लिए, फिर चार लोग मिले, उन्होंने कहा देखो ये दोनों बड़े क्रूर निर्दयी है, बेचारे घोड़े की जान ले लेंगे, दो के दोनों बैठ लिए। तो बोला बाबू चल कैसे सकते हैं, ना खाली घोड़े के पीठ चल सकते हैं, ना अकेले तू बैठ के चल सकता, ना अकेले मैं बैठ के चल सकता, ना दोनों लोग बैठ के चल सकते, तो चल कैसे सकते हैं। बोला बेटा इस समाज की तरफ मत देखो, अब चलते रहो।